नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पटना एम्स से जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि पटना एम्स के कई विभाग में अगस्त तक डॉक्टरों की बहाली कर दी जाएगी। बता दें कि पटना एम्स के नव पदस्थापित निदेशक ने बताया कि एम्स में कई ऐसे विभाग थे जिसमें डॉक्टर नहीं थे और जिस कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी होती थी। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि अब मरीजों को लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगस्त तक कई भागों में डॉक्टरों की बहाली कर दी जाएगी। साथ ही आपको ये बता दें कि पटना एम्स के नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी विभाग में एक भी डॉक्टर नहीं थे, जिस कारण से मरीजों को काफ़ी परेशानी होती थी और मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। पटना एम्स में अगस्त तक सभी विभाग में डॉक्टरों की बहाली होगी। अब मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि पटना एम्स में कई ऐसे विभाग हैं जिसमें इलाज नहीं होता है। नेफ्रोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन अगस्त तक सभी विभाग में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति कर ली जाएगी। यह जानकारी एम्स के नव पदस्थापित निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्णा पाल ने दी है। डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने बताया कि पटना एम्स में आधे से अधिक डॉक्टरों के पद खाली हैं। कई ऐसे विभाग हैं जिसमें मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह तक सभी विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंतिम सप्ताह तक सभी विभागों के ओपीडी भी शुरू हो जाएंगे। नियुक्तियों के बाद ओपीडी और ऑपरेशन में मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं एम्स निदेशक ने बताया कि काफी दिनों से अस्पताल में डॉक्टरों को प्रमोशन नहीं दिया गया है, इसके लिए शीघ्र ही कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं सीनियर रेसिडेंट डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी। इसके बाद पारा मेडिकल कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। आंतरिक पदोन्नति से पद भरने के बाद खाली पदों पर दोबारा अक्टूबर में विज्ञापित किए जाएंगे। वहीं योग के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि योग कई बीमारियों में तत्काल कारगर है। यह कई बीमारियों में कम दवाओं के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे मरीजों की रिकवरी भी तेज होती है। योग के बेहतर परिणामों को देख एम्स में भी एडवांस सेंटर फॉर योग बनाया जाएगा। जल्द ही रिसर्च को लेकर माहौल बनाया जाएगा। इसके लिए कमेटियों को टास्क सौंपे जाएंगे। रिसर्च की बदौलत ही एम्स पटना विश्व स्तरीय बन सकेगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए नहीं, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लोग यहाँ दिल्ली बम्बई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना? नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।